खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। सो हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है गेमिंग विद ओम। सो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप सोलो मैच खेल के किस तरीके से एक दिन में हीरोइक जा सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% हीरोइक जा पाओगे। सो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर हीरोइक जा चुका हूँ। सो अगर आप भी हीरोइक जाना चाहते हो वो भी 2 या 3 दिन में, किस तरीके से आप सोलो में मैचेस खेल के हीरोइक जा सकते हो, दोस्तों आपको कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है और आप लोग कौन सी गलतियां करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है लैंड ऑन सेफ प्लेस। दोस्तों आपको हमेशा ऐसे प्लेस पे लैंड करना है जो प्लेन से दूर हो। आपको स्कैनर का यूज करना है और स्कैनर के यूज से आपको एनिमी की लोकेशन का पता चलता है। और फास्ट लैंडिंग के लिए आप फाल्को पेट का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों सेफ लैंडिंग करने के बाद आपको वहां पर अच्छे से लूट कर लेनी है, हेलमेट वेस्ट लेना है और गन ग्लू वॉल ले लेनी है, मतलब अच्छी लूट करनी है। दोस्तों अगर आपके साथ कोई और बंदा उतरता है तो आपको उसको देखकर भागना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं कि अगर उनके पास कोई बंदा उतरता है तो वो बंदे उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और वो बंदा उनको पीछे से मार देता है। इसलिए आपको कोई बंदा दिखता है लैंडिंग करने के बाद तो सबसे पहले आपको उस बंदे को मारना है और उस प्लेस पे सरवाइव करना है। सो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है यूज ऑफ बोन फायर। दोस्तों आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपने लोड आउट में बोन फायर लिया है या नहीं। दोस्तों बोन फायर लेने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके यूज की बात करें तो अगर आप कहीं पर फाइट कर रहे हैं और आपकी हेल्थ कम है और आपके पास मेडिकेट भी नहीं है तो आप आसानी से बोन फायर को लगाकर आपकी हेल्थ को फुल कर सकते हो, तो एनिमी को आसानी से मार सकते हो। सो दोस्तों ये तो हो गए हमारे 2 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो कि है बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों आप बोलोगे कि ये तो हर कोई बताता है, पर इस वीडियो में मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। तो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है जोन टू जोन रैंक पुश के लिए, जो है नोटोरा मॉकजेम एंड स्काइलर। अगर आपके पास स्काइलर नहीं है तो आप आलोक और के कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। अगला कॉम्बिनेशन है रश प्लस सर्वाइव रैंक पुश के लिए। तो अगला कॉम्बिनेशन है आलोक और क्रोनो प्लस केली एंड हयातो एंड मोको। इन कैरेक्टर्स का यूज करके आप सोलो में अच्छे से रैंक पुश कर सकते हो। आप इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड कॉम्बिनेशन ही यूज करें। सो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो है ब्लास्ट जोन स्ट्रेटेजी। दोस्तों क्या होता है, सोलो में बंदे टॉप 10 तक तो इजिली सर्वाइव करके या अच्छी सी जगह पे छुप के आ जाते हैं, पर लास्ट जोन में तो उनको फाइट लेनी ही होती है, तभी वो बुया कर पाते हैं। पर लास्ट जोन में मैंने देखा है बहुत बंदे गलती करते हैं और जोन के मिडिल पे बैठते हैं, ना ही तो जोन में ही फाइट लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट जोन में आपको हमेशा जोन के कोने में बैठना है जिससे आपको कोई देख नहीं पाएगा, और लास्ट जोन में आपको हमेशा परमानेंट कवर लेना है जिससे आप कवर में रह के बंदों को मार पाओगे। और अगर जोन खुले में आता है तो हमेशा अपने पास एक कार रखे, और आपके पास परमानेंट कवर नहीं है तो आप कार को फोड़ के उसके पीछे छुप सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।